अमृतसर के पुलिस थाना छहरटा के अधीन आते गांव गुरु की वडाली निवासी हरमीत कौर पुत्री कृपाल सिंह ने पुलिस में अपने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई है। सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हरमीत कौर ने बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले बतला के रहने वाले विजय बब्बर के साथ हुई थी और उसके मायके परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, मगर दहेज के लालची ससुराल वाले और अधिक पैसों की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे और गत दिवस भी उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज की खातिर बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया और उसने अपनी जान बचाकर अपने भाई को फोन पर सारी घटना बताई, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं जब इस संबंध में थाना छहरटा के प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास पीड़िता की तरफ से शिकायत मिली है और पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाने के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उस पर बनती कार्रवाई की जाएगी। मेरा घरवाला विजय बब्बर शराब पी के मैं बहुत ज़्यादा तंग करते, मारते कुटते, मेरे नाल मार कुटाई करते, ते तीन दिन तो मैं बिल्कुल लगातार मैं तंग कर रहे कि खाना पीना भी रोटी भी मेरी बंद कर दी, रोटी भी नहीं देंगे, मैं बना के रख दें तो रसोई में ताला लगा देंगे ही तो रोटी खाने भी नहीं देंगे, ना बेटे देंगे ही, तो जे मैं उन्होंने को रजाई मंगी तो अगों मेरे ना मार कुटाई, मेरे घर वाले ने, मेरी सस ने, मेरे जेठ ने, मेरे आ ब्लेड मारे, तो मैनू कहते कि अं कुछ नहीं तेन देना, उतों लै गया जो भी लै गया होना। अ लड़ाई की वजह बस इस तरह दाज तो ही तंग करते, दाज मंगते कि दाज दो, सू मूह मूह कहते कि दाज सू दाज मंगते, ये ब्याह 6 साल हो गए। हाँ जी पहलो ब्याह डेढ़ दो महीनों बाद झगड़ा शुरू हो गया है। हरमीत कौर ने कल साढ़े को एक दरखास्त दी है कि मैं अज तो 5-6 साल पहला मेरी शादी विजय बब्बर बटाला नाल हुई सी, तो उदी एक बेटी भी हैगी है, तो कहती मैं मैनू कुटमार करके तो इन्होंने घरों कढ़ दिता है, तो वो बाँह के झरीटा वगैरह भी है, कहते दाज लिए तंग परेशान करते, अं मैडिकल भी करवाया, तो हुण दूजी पार्टी दरियाफ्त करके जो फैक्ट्स होंगे वो मुताबिक अगली कार्रवाई।